यहाँ हिमाचल प्रदेश में ये देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हमें गर्व है इस बात पर कि भारत की सेना में हिमाचल के युवाओं ने अपना बड़ा योगदान दिया है। 21 द्वीपों का नाम नरेंद्र मोदी जी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा और उसमें से 4 मेरे हिमाचल प्रदेश के हैं। हमें गर्व है अपने वीर सैनिकों पर, हमें गर्व है अपनी भारतीय सेना पर। और ये कांग्रेस के लोग जो भारतीय सेना के सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं वो ज्ञान बांटेंगे? ये कांग्रेस के लोग जो हमारी सेना डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब चीन को दे रही थी और ये लोग चीनियों के साथ मिलकर गुफ्तगू कर रहे थे, चीनी पार्टियों से पैसा ले रहे थे, कांग्रेस के लोग क्या लिया राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी ने, देश को बताना चाहिए। क्या सौदा हुआ इनका, बंद कमरे में क्या गुफ्तगू की गई, कौन से हस्ताक्षर किए गए थे और कितने करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने चीन से लिए? ये बड़ा आरोप मैं कांग्रेस पार्टी पे लगा रहा हूं। और क्यों लिए? भारत की सीमाओं को कांग्रेस चीन पाकिस्तान और श्रीलंका को देने का काम कैसे किया? एक्साइज चीन के एरिया से लेके पाक अधिकृत कश्मीर और हमारा कच्चा थी वो आईलैंड, ये कांग्रेस के कारण किया है। और ये कांग्रेस के लोग आज सेना के हितेशी बनते हैं। ये जीप घोटाला इन्होंने किया, बोफोर्स घोटाला इन्होंने किया, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला इन्होंने किया, सबमरीन घोटाला कांग्रेस ने किया। अरे इनके कांग्रेस का हाथ तो दलाली के कारण पूरी दुनिया भर में मशहूर है, इनका चाल चरित्र और चेहरा देश और दुनिया जानती है। आजादी के बाद आज तक इन्होंने रक्षा सौदों में दलालियां ही खाई, भारत की सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए, लड़ाकू विमान नहीं दे पाए। और कश्मीर में भी ये अलगाववादियों के साथ होते हैं।